लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर आते आते आखिरकार विदेशी साजिश की एंट्री हो गई है। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान से बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब ओपनएआई ने एक इजरायली कंपनी का पर्दाफाश कर दिया है। ये कंपनी भारत में चुनावों में दखल का प्रयास कर रही थी। इसकी भनक लगते ही एक्शन ले लिया गया है और 24 घंटे के भीतर इसको नाकाम भी कर दिया गया था। ओपनएआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल की एक कंपनी ने गाजा मामले के साथ ही भारत के चुनावों पर भी कुछ कंटेंट तैयार किया था। इस कंपनी का नाम STOIC है, जो कि पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म है। मई में STOIC ने भारत में चुनावों को लेकर ऐसे कमेंट प्लान शुरू किए थे जिससे बीजेपी को निशाना बनाया जा सके। साथ ही इसने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाले कमेंट भी लिखे थे। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हमने 24 घंटे से भी कम समय में इस पर कंट्रोल कर लिया। ओपनएआई का कहना है कि उसने इसराइल से चल रहे कुछ अकाउंट्स पर भी रोक लगाई है। ये अकाउंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही यूट्यूब के लिए कंटेंट तैयार कर रहे थे। मई की शुरुआत में अंग्रेजी कंटेंट के जरिए भारत के लोगों को टारगेट करना शुरू किया गया था। इससे पहले अंग्रेजी और हिब्रू भाषा के माध्यम से कनाडा, अमेरिका और इसराइल में लोगों को टारगेट किया जा रहा था। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये साफ है कि देश की कुछ पार्टियों और उनके कैंपेन से भाजपा को टारगेट किया जा रहा था। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। देश के अंदर और बाहर से कुछ लोग ऐसे साजिश रच रहे हैं। इसकी जांच और इसके खुलासे की भी काफी जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।